चलिए दोस्तों, लद्दाख के लिए हमारी गाड़ी जो फुल्ली लोड हो चुकी है, तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज की हमारी जर्नी में हमारे साथ में अल्पेश भाई है और हम दोनों मिलके इस बार एडवेंचर करने वाले हैं ज़ंस्कार, लद्दाख, सियाचिन और उमलिंगला का। तो आने वाले कुछ दिन जो है वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहने वाले हैं और ये जो सारे वीडियो है ये आपको ऐसी थ्रिल देने वाले हैं कि आपको लगेगा कि आप हमारे साथ में ही घूम रहे हो। और ये जो जर्नी है आज हमारी शुरू हो चुकी है और हम लोग दोनों ही है इस जर्नी में, और पूरा कैंपिंग का एडवेंचर रहने वाला है और नोमैडिक एडवेंचर है, जहाँ पे कोई भी फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है। जहाँ पर शाम हो जाएगी वहीं पे रुक जाएंगे, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो और ज्यादा रुक जाएंगे, और फुल नेचर को एंजॉय करते हुए जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। और मुझे पता है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाइक पे जाने वाला बंदा अचानक से कार में कैसे लद्दाख निकल पड़ा, लेकिन वो भी आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि दरअसल मैं बाइक पे ही जाने वाला था। मेरी सारी तैयारी जो थी वो बाइक पर जाने की ही थी। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं और मेरा बेटा करीबन पिछले 3 साल से लद्दाख जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में उसकी कॉलेज चालू होने की वजह से वो छुट्टी नहीं ले पा रहा था। और इस साल भी वही हुआ, उसकी इंटर्नशिप आ गई तो वो मेरे साथ नहीं आ पाया। तो मैंने पहले तो सोलो जाने का ही प्लान कर लिया था, लेकिन फिर बाद में जो अल्पेश भाई थे उनका और मेरा डेट बिल्कुल मैच हो रहा था, तो फिर हम लोग ने दोनों ने साथ में मिलके निकलने का प्लानिंग कर लिया। और लीजिए दोस्तों, आज हम आपके सामने हैं, इस सफ़र पे निकल पड़े हैं लद्दाख के। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो सफ़र है हमने गुजरात से शुरू किया है और अभी हम मोड़ासा होते हुए राजस्थान की बॉर्डर की तरफ एंट्री करने वाले हैं। और अभी यहाँ पे ये श्यामला जी आने वाला है। और दूसरी बात की दोस्तों, यदि आप भी अगर इस ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसकी पूरी जो सीरीज़ है इसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहीं पे हम राजस्थान से पहले रुक गए थे अपनी गाड़ी में डीजल फिल करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डीजल है वो सस्ता है ऐसा हमने सोचा था। तो चलिए डीजल फिल करवाते हैं और राजस्थान की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप राजस्थान में एंट्री करते हो दोस्तों, यहाँ के ग्रीन माउंटेंस जो है ये आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि अंदर एंट्री करते ही जो राजस्थान की अरावली माउंटेन रेंज है वो आपका स्वागत करती है। तो आपको पता चल जाता है कि अभी आप राजस्थान में एंट्री करने वाले हो। और रतनपुर बॉर्डर से जैसे आप एंट्री करते हो तो आप राजस्थान में ऑफिशियली एंट्री कर लेते हो। और एक बात दोस्तों, ये वही वाला रूट है जो पिछले साल मैंने अक्टूबर के महीने में जब भी अपनी स्पीति राइड की थी तभी लिया था, तो उस वजह से मैं ज़्यादा रोड को शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार एक का एक चीज़ दिखाने का कोई मतलब नहीं रहता है। और वहीं दोस्तों, थोड़ी देर में राजस्थान का जो पहला टोल प्लाजा था वो आ गया था, और पिछली बार तो बाइक पे था इसीलिए कोई टोल नहीं कटा था, लेकिन इस बार कार से जा रहे तो हर बार टोल कटेगा। और आपके साथ में एंड ऑफ द सीरीज़ में मैं आपको पूरा बजट अपना शेयर करने वाला हूँ कि हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। तो आप ये पूरी सीरीज़ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंपिंग भी करने वाले हैं, तो आपको वैसी लोकेशंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जहां पर आप भी अगर चाहो तो कैंपिंग कर सकते हो। और उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी लोकल लोगों की, वो भी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में शेयर करने की। और अगर साथ ही साथ आप स्पीति वैली जाने का भी अगर प्लान कर रहे हो दोस्तों, तो मेरी जो पूरी सीरीज़ है उसको चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप स्पीति वैली कब जा सकते हो, कैसे जा सकते हो, वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था कैसी है, सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, लोकेशंस के साथ में मैंने अपने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मेरे जो वीडियो हैं वो आपके लिए पूरे मददगार साबित होंगे, आपको और किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में दे दूंगा। और दोस्तों, वहीं कुछ ही देर में हमने उदयपुर सिटी में भी एंट्री कर ली थी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 6 लेन की जगह पर 4 लेन हाईवे हो गया है, तो यहाँ पर अभी तक हाईवे जो है पूरी तरह से बना नहीं है। पिछले साल भी जब मैं आया था तो तभी भी यही कंडीशन थी, और 1 साल के बाद भी आज यहाँ पर यही कंडीशन है। कहीं कहीं पर तो रास्तों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अभी सब आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया था। और वहीं है दोस्तों, अभी कुछ ही देर में हम लोग अभी उदयपुर से भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि आज का जो क्लाइमेट था ये बहुत ही अच्छा था, आप देख सकते हो कि आसमान जो है ये पूरा नीला और सफ़ेद हुआ पड़ा है।
और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों, रास्ता फिर से 6 लेन हो गया था, क्योंकि ये जो है ये नाथद्वारा राजसमंद एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर आपको एक टनल भी देखने मिल जाती है, जिससे होते हुए आपको भी घाट नहीं चढ़ना पड़ता है, आप माउंटेन में से नीचे से ही पास होकर निकल जाते हो। तो ये जो टनल है ये भी पिछली बार हम लोग ने क्रॉस की थी। तो वैसे तो देखा जाए तो आज के दिन में वही सब है जो पिछली बार स्पीति राइड के समय था, लेकिन फिर भी जो कहानियाँ हैं वो नहीं होने वाली है इस बार। कुछ लोग हमें नए मिलने वाले हैं और साथ ही साथ इस बार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने शायद मेरे आज तक कोई वीडियो में एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो ये जो सारी जो एक्साइटमेंट है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहने वाली है, और उसी लिए इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। क्योंकि हर शनिवार शाम को 6:30 बजे मेरे वीडियो आते हैं, तो आप उन वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो में क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही है या कोई सी चीज़ें आप इम्प्रूव करवाना चाहते हैं वो भी आप हमें बताइए, तो हम उस पर ज़रूर से वर्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स को क्या चीज़ें पसंद है। और साथ ही साथ जैसे ही इन रास्तों पे आगे बढ़ते जा रहे थे दोस्तों, हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। और वहीं कुछ ही देर में दोस्तों अभी हम नाथद्वारा में भी एंट्री करने वाले थे, और इस बार जो हमारा टारगेट है ये जयपुर या उसके आगे कोटपुतली तक का रहने वाला है। और जैसे कि आप दोस्तों सामने जो देख सकते हो, ये नाथद्वारा में हमने एंट्री कर ली है, और ये जो ऑरेंज कलर की मूर्ति दिख रही है ये भगवान शिव की मूर्ति है, जिसे विश्वास स्वरूपम या स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है। और इसके पिछले बार मैंने ड्रोन शॉट भी लिए थे, तो यदि आपको वो ड्रोन शॉट्स देखने हैं तो आप हमारा रोड टू स्पीति का Day 1 का वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और नाथद्वारा से दोस्तों जैसे ही आप आगे निकल जाते हो तो राजसमंद आ जाता है, और राजसमंद से दरअसल पिछली बार मैं सीधा गया था तो भीम जाके मैं रुका था, लेकिन इस बार अभी हमारे पास में बहुत समय था तो राजसमंद से एक फ्लाईओवर के नीचे से रास्ता भीलवाड़ा की तरफ जाता है, जिससे आप ब्यावर और अजमेर वाला जो रूट है ये स्किप कर देते हो और सीधा आप किशनगढ़ पहुंच जाते हो। तो हमने वो वाला हाईवे ले लिया था, और ये जो हाईवे है यहाँ पर भी आपको काफ़ी कम ट्रैफिक देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो फ्लेट्स है वही ज़्यादा देखने मिलेंगे, यानी कि जो ट्रक्स है वही ज़्यादा चलते हैं। तो उस वजह से जैसे कि आप देख सकते हो ये हाईवे बिल्कुल खाली है। और वहीं करीबन दोस्तों शाम के 6 बजे के आसपास हम लोग ने किशनगढ़ में भी एंट्री कर ली थी, और जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी किशनगढ़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और किशनगढ़ के बाद में आता है जयपुर। तो अंधेरा होते होते हम लोग ने जयपुर में भी एंट्री कर ली, लेकिन दरअसल जयपुर में एंट्री करते ही हमें बहुत ही गंदा ट्रैफिक मिल गया था, तो उस वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया। तो हम यही सोच रहे थे कि अभी क्या करें, तो जयपुर के आगे निकल के कोटपुतली जगह आती है दोस्तों, वहाँ पर हम आ गए थे खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं जयपुर के आगे कोटपुतली के बीच में, और यहाँ पे अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमने खाना मंगाया है, तो अभी कुछ खाते हैं। और ये बिल्कुल हाईवे पे होटल है, कोटपुतली से अभी हम लोग करीबन 40 किलोमीटर दूर है, तो रात का स्टे हम लोग कोटपुतली में करने वाले हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और बाद में आपको हमारा जो होटल है उसका अपडेट देते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों, और अभी खाना मंगाया है तो खाना आने के बाद आपको भी बताता हूँ कि हम लोग आज क्या खाने वाले हैं। दोस्तों हम लोग मोस्टली जब भी हाईवे पे राइड करते हैं तो बड़े बड़े जो होटल होते हैं उसको अवॉइड करते हैं, और इस तरह के जो ढाबे होते हैं जहाँ पे ये ट्रक ड्राइवर खाना खाते हैं हम लोग वो प्रीफर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो खाना होता है ये हमारे घर में जिस तरह से सब्जी बनी जाती है उस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पे ग्रेवी का इस्तेमाल कम होता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक टेस्ट खाने मिलता है। और लोकल जब भी आप ढाबे पर खाते हो तो साथ ही साथ आपको वहाँ का जो लोकल डेलिकेसी है वो भी टेस्ट करने मिलता है। तो ये जो भी खाना हम लोग ने मंगाया इसकी आप क्वान्टिटी देख सकते हो दोस्तों, ये फुल प्लेट है, ये आलू पालक हमने मंगाया हुआ है, और इसकी क्वांटिटी देख के ही हम अचंभित हो गए कि ये कितना क्वांटिटी है, क्योंकि 2 जन के लिए इनफ है। हालांकि हाफ प्लेट भी मिल जाता है, और साथ में साथ यहाँ पर प्याज और मिर्चे हैं। तो ये आ गई हमारी आज की सब्जी, और अभी आ रही है गर्मा गर्म रोटियाँ, खाते और फिर आपको रिस्पॉन्स बताते कि कैसा है खाना। और ये जो ढाबा है इसका नाम है देव नारायण ढाबा एंड रेस्टोरेंट, कोटपुतली से बिल्कुल पहले ही है। और ये है रोटियां दोस्तों, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी रोटियां है, हमने यहाँ पे 5 रोटियां खाई, क्योंकि ये सब्जी पूरी करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रोटियां लेनी पड़ी, और ये सबका मिला के जो हमारा बिल था ये सिर्फ 150 रुपीज़ हुआ था। तो दोस्तों अभी करीबन 10:30 बज रहे हैं, और अभी हम लोग कठपुतली से कुछ देर पहले हैं, यहाँ पर हम लोग एक होटल ट्राई कर रहे हैं, अगर कहीं पर होटल ढंग का नहीं मिला
तो फिर हम लोग कहीं पे टेंट लगाएंगे या एक्सप्रेस वे पे जाके, तो जो भी होता है आपको अपडेट देता हूँ। तो अभी जहाँ पर अल्पेश भाई जाके आए दोस्तों, बिल्कुल बकवास रूम था और उसके 1500-2000 रुपये बोल रहा था। और जैसे जैसे एक्चुअली लेट होते जाता है ना, इन लोग प्राइस बढ़ाते जाते हैं। तो अभी हम कोटपुतली से आगे नरनोल हाईवे निकल पड़े हैं और देखते हैं अभी क्या करना है। तो अभी दोस्तों रात के कुछ 11 बज रहे हैं और अभी है यहाँ पर पेट्रोल पंप पे। अभी रूम तो कहीं पे मिली नहीं है, सब है लेकिन 1500 रुपये 2000 रुपये बता रहे। अभी पूरी रात, आधी रात रुकना है, उसके लिए इतना कहाँ पेमेंट करे। तो अभी यहीं पे सोच रहे कि एक्सप्रेस हाईवे पे ही कहीं पे टेंट लगाने का है। तो पहले पर तो अपना गाड़ी का फ्यूल टॉपअप करवा लेते, फिर देखते क्या करना है। तो जो भी अपडेट है, अगर टेंट लगाएंगे तो आपको टेंट दिखा देंगे। तो बने रहिए दोस्तों, कुछ अलग ही एडवेंचर होने वाला है इस बार। और एक यहाँ पे मज़ेदार बात ये थी दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गुजरात में हम लोग ने पहले फ्यूल टॉपअप करवा लिया था ये सोचकर कि गुजरात में डीजल सस्ता है, लेकिन गुजरात से राजस्थान में डीजल सस्ता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अपना का जो डीजल टॉपअप है आप राजस्थान में करवाना। और अभी फ़िलहाल हमें नरनौल अम्बाला एक्सप्रेस वे पे, और रात के करीबन 11:30 बज चुके हैं और ये यहाँ पे इसका पहला रेस्ट एरिया आया हुआ है। तो हमने ऐसे अज्यूम किया है कि यहाँ पर शायद हमें कैंपिंग करने के लिए कुछ लोकेशन मिल जाए, तो उसी के तलाश में हम नीचे आए हैं। और जैसे ही हम नीचे आए तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ गेस्ट हाउस जैसा भी बना हुआ था, रेस्टोरेंट्स भी थे, लेकिन अभी सब बंद हो चुका था। तो यहाँ पर सामने की तरफ एक टॉयलेट ब्लॉक था और उसके पीछे गार्डन था। तो हमने वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले थे उनसे पूछा, तो उन्होंने हमारी मुलाकात एक भाई साहब से करवा दी जो शायद यहाँ के कुछ मैनेजर टाइप थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई इस तरह से कर सकते हो क्या, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था दोस्तों। तो हमने वहीं पर टेंट लगा दिया। तो दोस्तों हमारा आज का पहले रात का रुकने का प्रबंध हमने अम्बाला नरनौल एक्सप्रेस हाईवे पे किया है और अभी ये यहाँ पे इनका रेस्ट एरिया है जहाँ पर हमने परमिशन लेकर हमारा टेंट लगाया है। तो चलिए मैं आपको अपना टेंट दिखाता हूँ। तो हमारा जो ट्रिप है इसका शुरुआत ही एडवेंचर से हो चुका है और ये यहाँ पर हमने अपना टेंट लगा दिया है। ये देखिए अंदर पूरा बेड भी डाल दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये पूरा एयर बेड, ये एयर बेड है पूरा डिकैथलॉन का। तो आज हम रात को यहीं पे रहने वाले हैं और जो भी हमारा एक्सपीरियंस होगा वो कल सुबह आपके साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों गुड नाइट, मिलते हैं कल के डे टू में जिसमें हम अम्बाला से आगे मंडी तक का सफर तय करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे अगले वीडियो में आपको मनाली वाले जो रस्ते की पूरी रोड कंडीशन में आपको दिखाने वाला हूँ जो हमने अभी सितंबर 2023 में जो हमारी ट्रैवल के दौरान देखी है। तो आपको भी अगर अपनी ट्रिप प्लान करनी है तो आपके लिए ये जानकारी काफ़ी लाभप्रद साबित होगी। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, तबाही के बाद में यहाँ के रास्तों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि जो दोबारा अगस्त के महीने में जो तबाही हुई उसमें जो मशीनें यहाँ पे काम कर रही थी वो तक लैंडस्लाइड के नीचे दब गई थी, जिसको आप मतलब बहुत ही ख़तरनाक मंजर था ये, हमने जब इसे विटनेस किया। और साथ ही साथ जो मनाली के पहले का रास्ता है, क्योंकि हम मनाली तक पहुँच गए थे, तो ये जो सारा जो रास्ता है, सारा एडवेंचर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर दोस्तों। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।